अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं डॉक्टरी पेशा पर, क्योंकि हाल ही में कित्तूर में जो वाकया पेश आया, वाकई शर्मनाक कह सकते हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाला कह सकते हैं। आज इस बात की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि ये वारदात हुए 5 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन जिस बच्चे को लेकर बेचने की कोशिश की गई थी, उस बच्चे का भी आखिर 1 महीने के बाद इंतकाल हो गया। यानी कि किस तरह एक जिसे डॉक्टर को फरिश्ता कहा जाता है, भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन आज समाज में इसी के आड़ में कुछ दरिंदे पनप रहे हैं, समाज में घूम फिर रहे हैं और बड़े इज्जत के साथ वो घूमते हुए देखा जा रहा है। कित्तूर में जो वाकया पेश आया, नाजायज ताल्लुकात में एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की पैदाइश होने के बाद उस बच्चे को लेने के लिए प्रवीण और पवित्रा इनकार कर देते हैं क्योंकि नाजायज ताल्लुकात में वो बच्चा पैदा हुआ होता है। लेकिन इस बच्चे को आखिर किया क्या जाए। खैर, हाल ही में कित्तूर के उस डॉक्टर के साथ 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इत्तला के मुताबिक डॉक्टर नाजायज ताल्लुकात से पैदा हुए बच्चों को या तो मार देता था या फिर इसे बेच देता था। बेलगाम पुलिस कमिश्नर रीना मार्टिन, DCP रोहन जगदीश, DCP PV स्नेहा मालमा और DCP काल मिर्ची ने कुल 5 अपराधों को अब तक हिरासत में लिया और इस काली करतूत का पर्दाफाश किया है। प्रवीण और पवित्रा के नाजायज ताल्लुकात से डॉक्टर लाड़ खान के यहाँ बच्ची पैदा हुई, लेकिन इन दोनों को इस बच्ची की जरूरत नहीं थी, यानी कि प्रवीण और पवित्रा को इस बच्चे की जरूरत नहीं थी, लिहाजा डॉक्टर के कंपाउंडर चंदन ने इस बच्चे को फरोख्त करने का फैसला लिया। पहले नर्स के खिदमात अंजाम देने वाली महादेवी ने उस बच्चे को 60,000 रुपए में खरीदा। कंपाउंडर और डॉक्टर ने इस रकम को बांट लिया। महादेवी ने सोचा कि इस बच्चे की कीमत ज्यादा वसूली जा सकती है, लिहाजा इसे 1.5 लाख में बेचने की नीयत से बेलगाम शहर पहुंची। बच्चों की खरीदो फरोख्त करने का गिरोह सरगर्म होने की इत्तला माल मारुति थाने को हुई तो महादेवी पुलिस के हत्थे आखिर चढ़ ही गई। कुल 5 अपराधों को हिरासत में लिया गया, बच्चे को भी पुलिस को हवाले किया गया। महज 1 महीने की इस बच्चे के आखिर कल मौत हो गई। डॉक्टर लाड़ खान के साथ 5 अपराध अब हिरासत में है। इस खबर को 5 दिन होने को आए। अब डॉक्टर के हिनौनी हरकत के बाद एक बार फिर डॉक्टरी पेशा खड़गड़े में खड़ा हो गया। डॉक्टर पेशे को फरिश्ते की सिफत दी जाती रही है। इंसान की जिंदगी बचाने वाला डॉक्टर ही कहा जाता है। वैसे तो इंसान की जिंदगी और मौत, बीमारी शिफा का मालिक तो अल्लाह ही है, पर इलाज सुन्नत है, असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं और उसका हुक्म भी है। इसलिए बाज औकात कहा जाता है कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। खैर, पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर पेशे को दागदार करने की कई वारदातें समाज में पेश आ रही है। उमूमन इंसान का खान पान, इसकी रोजमर्रा की जिंदगी, तेज रफ्तार जिंदगी, दौड़ धूप में इंसान मुख्तलिफ अमराज में मुलविस होता देखने को मिल रहा है। अब तो कमसीन उम्र के बच्चे और नौजवान भी दिल के दौरे का शिकार होते देखे जा रहे हैं। दरमियान में वैक्सीन लेने वालों को दिल का दौरा हो सकता है कि खबरें भी गश्त करती रही, लिहाजा हर घर बीमारी के जद में आ चुका है। जाहिर है इंसान आजकल राशन से ज्यादा दवा गोलियों पर रुपया खर्च कर रहा है और ये उसकी मजबूरी भी है। इन तमाम की आखिरी उम्मीद वैसे भी डॉक्टर होता है, पर क्या इस दौर में डॉक्टर अपने पेशे से इंसाफ कर रहा है? आप दवाखाने में कदम रखते भी नहीं कि आपको ब्लड टेस्ट की तवील फहरिस्त थमा दी जाती है। कहा जाता है कि अगर ब्लड टेस्ट भी 2 लैब में अलग अलग किए जाएं तो टेस्ट भी अलग आते हैं, ऐसा कई मरीजों को कहते हुए देखा भी जा रहा है। शुगर BP से शायद ही कोई घर बचाओ। बदलता मौसम, तपती धूप, बारिश, सर्दी से इंसानी जिस्म जवाब देने लगता है। जहाँ छोटे से मर्ज को बड़ा दिखाकर बड़े अस्पताल तक पहुंचाने का नया ट्रेंड ही एक तरह से देखने को मिल रहा है। कुरियानियत फहश का बाजार लगा हुआ है। नाजायज ताल्लुकात का सैलाब इस समाज को ले डूब रहा है। इन तमाम में कहीं तो गरीब वक्त से पहले मरता हुआ नजर आ रहा है। मरीज को ग्राहक की नजर से देखने का डॉक्टरों का रवैया आम इंसान की जिंदगी में मायूसी तक पहुंचा जाता है। बड़ी बीमारियां जिनकी दवाइयां खरीद न सकने पर खुदकुशी तक मरीजों को करते देखने को मिल रहा है। अपने आप को ईमान वाले कहने वाले भी अब रुपया कमाने के पीछे लगे हुए हैं। आखिर एक जिंदगी जीने के लिए आखिर किन किन आजमाइयों से गरीब को गुजरना पड़ता है। जहां भी जाओ आपके लिए इम्तिहान गाह ही दिखाई देती है। डॉक्टर किसी बड़े अस्पताल को चिट्ठी लिखता है कि फला मरीज को भेज रहा हूँ। बेचारा मरीज यही समझता रहता है कि डॉक्टर मेरे लिए फरिश्ता है, पर उसे क्या मालूम कि उस चिट्ठी में उसका कमीशन लिखा हुआ रहता है। महीने के बाद कितनी चिट्ठियां भेजी जाती हैं, उसका कमीशन उसके खाते में चला जाता है। अब मेडिकल से बिकने वाली दवाओं या गोलियां पर भी डॉक्टर को कमीशन हासिल होता रहता है।
यकीनन आज भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसका प्रैक्टिस से दूर हैं, पर जिस तेजी से हर कोई रुपया कमाना चाहता है, डर लगता है कि कहीं इंसानियत की खत्म ना हो जाए, कित्तूर के छोटे गांव में नाजायज ताल्लुकात से पैदा होने वाले बच्चे को बेचने की वारदात ने शहर को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर के फार्म हाउस पर जाने के बाद 3 बच्चों के हमल पाए गए। आखिर कुछ लोग किस इंतहा तक पहुंचते हैं, रुपये कमाने की हिर्स इंसान को वाकई शैतान बना देती है। और इस तरह के कई डॉक्टर समाज माशरे में है जो पुलिस की हिरासत से आज भी दूर है, समाज में शराफत का नकाब ओढ़कर घूमते रहते हैं। शुरुआत छोटे से क्लिनिक से होती है, फिर देखते देखते अस्पताल तक पहुंचता है, और फिर बिल्डिंग है और कार तो अलग से बनती ही रहती है। ईमानदारी से कमाने में किसी तरह की कोई ममानियत नहीं है। डॉक्टर्स की तो माशरे को जरूरत है, अगर मरीजों की देखभाल नहीं होगी तो समाज का तवाज़ुन ही बिगड़ सकता है। लेकिन इस दौर फितन में अच्छे लोग घटते जा रहे हैं, हलाल हराम की तमीज तकरीबन खत्म होती जा रही है। लेकिन खुदा के कहर का कुछ तो लिहाज करे, एक गरीब को सही इलाज की बजाय सिर्फ रुपये की खातिर बड़े अस्पताल और फिर बड़ा ऑपरेशन, बेचारा किसी तरह अपनों की जान बचाने के लिए कभी घर कभी गाड़ी बेच देता है, यहाँ तक अपने बूढ़े वालिदैन के खातिर जमा पूंजी भी दांव पर लगा जाता है। बड़े मर्ज का नाम लेकर एक इंसान की जिंदगी से खेलना कहाँ तक दुरुस्त होता है? क्या उस गरीब की सिसकियां और उसकी बददुआ से डॉक्टरों को नहीं लगेगी जो गलत मशवरा सिर्फ कुछ रुपयों के लिए दिए जाते हैं ताकि अपनी जेब गर्म हो जाए? होश में आ जाओ, और जो अल्लाह ने तुम्हें खिदमत का मौका दिया है उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करो। यकीनन जायज मुनाफा लेना वाकई जरूरी है और उसका हुक्म भी है। उन लोगों का वाकई मैं दिल से मशकूर और ममनून हूँ जो आज भी खुलूस के साथ मरीज से पेश आते हैं। यकीनन आज भी कुछ लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग ओझल होते जा रहे हैं क्योंकि ईमानदारी पर बेईमानी गालिब आ रही है। अब तो सबसे ज्यादा मुसलमानों में ही दौलत की हिर्स देखी जा रही है, कई अस्पताल का नाम ही सुनकर मरीज उम्मीद छोड़ देता है, यहाँ तक कि लाश भी रुपये दिए बगैर नहीं दी जाती। मरे हुए पेशेंट को ऑक्सीजन पर रख कर बिल लिया जाता है कि कई शिकायतें हासिल हुई है। कुल मिलाकर यही कि जिस डॉक्टरी पेशे को बड़े इज्जत से देखा जाता था, लोग भगवान या फरिश्ता कहते थे। हमने बचपन में देखा है कि साइकिल से डॉक्टर घर आता तो डॉक्टर की बैग घर के बड़े एहतराम के साथ दवाखाने तक छोड़ आते थे। अब अस्पताल क्लिनिक गली मोहल्ले तक पहुंच गए, आबादी बड़ी, बीमारियां बढ़ने लगी तो डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ने लगी, फिर एक दूसरे में डॉक्टरों को ही मुकाबला करते देखने को मिला। कमीशन ज्यादा, दवा गोलियां में भी 40% तक कमीशन, ब्लड टेस्टिंग से लेकर सिटी स्कैन एक्सरे तमाम में डॉक्टरों के मुकाबले देखने को मिल रहे, और इन तमाम के दरमियान मरीज एक तमाशा बनकर रह जाता है। उसकी जिंदगी यहाँ से वहां रुपया बांटने में ही गुजरती है और आखिर में मरीज ग्राहक बन जाता है। जरूरत है माशरे में डॉक्टरों के मुकाबले में मरीज की जिंदगी को अहमियत देने की। कोई नया कानून बनाया जाए जिससे दौड़ धूप की जिंदगी में इंसानी जिंदगी की अहमियत को समझने की, राशन की चिट्ठियों से ज्यादा आज दवाइयों की चिट्ठियां देखने को मिल रही है। राशन तो महीने में एक बार लाया जाता है, लेकिन दवा गोलियां हफ्ते में और कभी कभी हर रोज लाना पड़ता है। कित्तूर के डॉक्टर ने जिस काम को अंजाम दिया है उससे एक बार फिर डॉक्टरी पेशे पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।